हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज की जो रेसिपी है वो उन दिनों के लिए है जब हमें खाना बहुत टेस्टी या रोज़ से थोड़ा हटकर बनाना होता है, लेकिन हम उसमें प्याज लहसुन कुछ भी ऐसा नहीं डाल सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आगे व्रत और त्यौहार आ रहे हैं और ऐसे में हमें सात्विक खाना बनाना होता है, लेकिन रोज़ से थोड़ा हटके, जो टेस्ट में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, लेकिन बिना ये सारी चीज़ें डाले। तो आज की सब्ज़ी यानी मिक्स वेज की सब्ज़ी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ऐसे ही खास त्योहारों के दिनों के लिए या फिर किसी और खास ओकेजन के लिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं मैंने क्या क्या लिया है। यहाँ मैंने एक छोटा कॉलीफ्लावर का फूल लिया था जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए, जैसे हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है लेकिन छोटे पीसेस कट करें। इधर मैंने फ्रेंच बीन्स के भी पीसेस कट कर लिए हैं और गाजर के भी। यहाँ मैंने ली है 2 शिमला मिर्च जिनको मैंने चॉप कर लिया है। इसमें आप अपनी चॉइस की और कोई भी वेजिटेबल लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो अब इधर मैंने ली है एक कढ़ाई और उसमें मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। तो मैं ये सब्ज़ी मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ, आप चाहें तो कोई भी रिफाइंड ऑयल वगैरह ले सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें करना होगा अपनी वेजिटेबल्स को सॉटे। तो मैंने सारी वेजिटेबल्स एक साथ ही डाल दी हैं और हम इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे जिससे कि इसका कच्चापन भी चला जाए और बाद में इसको बनाते टाइम ये अपना जो फॉर्म है वो भी ना खोए। यहाँ मैंने साथ में 2 कच्चे आलू भी ले लिए थे जिनको मैंने चॉप करके साथ में ही सब्जियों के डाल दिया है, उन्हें भी मैं सॉटे कर रही हूँ साथ में। जब हम इस तरीके से सब्जियों को सॉटे कर लेते हैं पहले और बाद में उन्हें मसाले के साथ बनाते हैं तो उसका जो टेस्ट है वो रेगुलर सब्जी से अलग आता है। तो यहाँ पे हमें लगभग 70-75% अपनी सब्जियाँ सॉटे करते करते ही कुक भी कर लेनी है। तो यहाँ मैं हाई फ्लेम पे ही अपनी सब्जियों को सॉटे कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा फ्लेम को हमें कम नहीं करना है, नहीं तो हमारी सब्जियों का जो क्रंच है वो भी ख़त्म हो जाएगा यहीं पे ही। तो अब चेक कर लेते हैं। देखिए मैं इसे अपनी पौनी से ही काट कर के देख रही हूँ। आलू थोड़े हद तक सॉफ्ट हो गए हैं और ये जो सब्जियाँ हैं ये कुछ हद तक गलना शुरू हो गई हैं। तो हमें यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, नहीं तो जब हम बाद में इसे मसाले के साथ करेंगे तो ये बिल्कुल हलवा टाइप हो जाएगी। हमें ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर सब्जियों को ओवर कुक ना होने दें, नहीं तो बाद में हमारी जो सब्ज़ी बनके तैयार होगी वो इतनी खिली खिली नहीं होगी जैसे हलवाइयों की सब्ज़ी होती है। तो चलिए अभी हो चुकी है तो मैं इसको अलग बोल में निकाल रही हूँ। चलिए तो अब इसको रखते हैं अपनी सब्जियों को अलग और करते हैं अपनी आगे की तैयारी। तो अब आगे घर में बनानी है ग्रेवी, उसके लिए मैंने ली है कुछ हरी मिर्चें, एक छोटी पीस अदरक का, 2-3 टमाटर मैंने लिए हैं बड़े साइज़ के, अगर छोटे हो तो आप 4 टमाटर भी ले सकते हैं। अब हम अपनी मिर्च वगैरह को काट के तैयार कर लेंगे और अदरक को भी ग्रेट कर लेना है। चलिए अपने टमाटर को भी हम रफली चॉप कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसको फाइन चॉप करने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही मोटे मोटे पीसेस में रफली से चॉप कर लेना है। अब अपने चॉप्ड टमाटोज़ की हमें बनानी है प्यूरी, क्योंकि ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए टमाटो की प्यूरी, हम उसे साबुत यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर। तो चलिए इन्हें ग्राइंड कर लेते हैं। तो चलिए अब ग्रेवी बनाने के लिए मैं कुछ खड़े मसाले यहाँ ले रही हूँ, कुछ लौंग ली है मैंने, एक बड़ी इलायची ली है जिसको खोल लिया है, और 2 लिए हैं तेजपात के पत्ते। अब मैंने सेम कढ़ाई ली है, उसमें डाला है सरसों का तेल। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा और अपने खड़े मसाले जो हमने अभी अभी निकाले थे। अब इन सभी मसालों को हमें लो फ्लेम पे थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। जीरा क्रैकल हो जाएगा तो इसके बाद में हम इसमें अपनी अदरक डालेंगे और उसको भी भून लेंगे। चलिए अब इसमें कुछ सूखे मसाले डाल लेते हैं। यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च है और हल्दी डाली है। मसाला हम कब डालते हैं सब्ज़ी में इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि हमारी जो सब्ज़ी का लुक है वो कैसा आएगा और उसका टेस्ट कैसा होगा। तो यहाँ हल्दी और कश्मीरी मिर्च हमें शुरू में ही डालनी है, उसे भूनने के बाद में हमें डालनी है यहाँ पे अपनी टमाटर की प्यूरी। तो चलिए फिर टमाटर भून लेते हैं। टमाटर डालने के फौरन बाद में हम डालेंगे यहाँ पर नमक। तो यहाँ मैंने 1/2 छोटा चम्मच काला नमक डाला है और थोड़ा सा डाला है सफ़ेद नमक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना डालिएगा। टमाटर डालने के फौरन बाद जब हम नमक डाल देते हैं तो उससे हमारे टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और जल्दी से कुक हो जाते हैं। तो इसको ढक देते हैं और 2-3 मिनट में ही हमारे टमाटर बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए 2 मिनट हो चुके हैं इसको और हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो चलिए बाकी के मसाले भी इसमें डाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ डाल रही हूँ काली मिर्च। तो काली मिर्च जो है हमारी सब्ज़ी को एक अलग सा टेस्ट देती है, वो सिर्फ तीखा नहीं करती है, उसको
अलग सा ही टेस्ट देती हैं। और साथ में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे धनिया का पाउडर जो कि 2 से 2.5 चम्मच मैंने डाला है। अब इन दोनों मसालों को हम साथ में ही टमाटर के भून लेंगे। अब यहाँ मैंने डाली है कसूरी मेथी और साथ में मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच भर के पिसे हुए सौंफ, ये मोटी वाली सौंफ है। अब इन सभी चीज़ों को हम आपस में अच्छे से भून लेंगे। अब आप देखेंगे कि ये कुछ मसाले ऐसे हैं जिनको डालने के बाद आपकी सब्ज़ी नॉर्मल से एलिवेट हो जाएगा उसका टेस्ट और वो एकदम शादियों वाली सब्ज़ी बन जाएगी। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, साथ ही में मैंने डाला है 1 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर, ये हरी इलायची का पाउडर मैंने यूज़ किया है यहाँ पर, और इन सभी को हमें भून लेना है। अपनी कटी हुई मिर्चें भी हम डाल देंगे जो हमने पहले से काट के रख रखी थी, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी जिससे हमारे सारे मसाले जले नहीं और अच्छे से कुक हो जाए। अभी देखिए आप देखेंगे कि सब्ज़ी ने भी अपना रोगन सा छोड़ना शुरू कर दिया है, आपको ऑयल गूज आउट होता हुआ इसमें दिखेगा। अब इसी स्टेज पे जब हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 बड़े चमचे भर के मलाई, ये घर की ताज़ी मलाई है। अगर मलाई ना हो और आपके पास क्रीम हो तो आप इसमें फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, मेरे पास मलाई थी तो मैंने वो डाल दिया। और इसको भी हम साथ में चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे, ये हमारी सब्ज़ी को एकदम शाही सा टेस्ट देगी और क्रीमीनेस देगी। इसी स्टेज पे आके हमें अपनी जो फ्राई करी हुई सब्ज़ियाँ रखी हैं वो भी इस कढ़ाई में डाल देनी है और उनको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। अब इस सब्ज़ी को बनने में मुश्किल से 5 से 7 मिनट का टाइम लगने वाला है, क्योंकि सब्ज़ियाँ भी हमारी हाफ डन तो ऑलरेडी थी ही, बाकी अब ये मसाले में अच्छे से कोट कर देना है हमें और थोड़ी सी जो कसर रह रही है वो पूरी हो जाएगी कुक होके। अब मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा पानी, लेकिन आपने देखा होगा कि मैंने पानी जो डाला है वो साइडों से डाला है, हमें बीच में सब्ज़ियों के ऊपर पानी नहीं डालना है, नहीं तो जो अभी मसाले की कोटिंग हुई है वो हट जाएगी उन पे से। तो साइड से पानी डालें और सब्जियों को थोड़ा सा हिला दें कि वो पानी सब्जियों के नीचे पहुंच जाए और स्टीम में अब ये सब्जियां कुक हो जाएंगी। और इसे ढक के अब हमें थोड़ी देर के लिए पकाना है, गैस को कम कर देना है इस स्टेज पे हमें। तो चलिए अब अपनी सब्ज़ी चेक कर लेते हैं, 5 से 6 मिनट हो गए हैं इसको मीडियम लो फ्लेम पे कुक होते हुए। तो अब इसको चलाना है लेकिन बहुत ही हल्के हाथों से, इसको बहुत ज़्यादा विग्रेसली हमें स्टर नहीं करना है, नहीं तो हमारी जो सब्ज़ियाँ हैं वो सारी टूट जाएंगी। अब वो पूरी अच्छे से कुक हो चुकी हैं तो अब चेक कर लेते हैं, ये देखिए बहुत अच्छे से हमारी जो सब्ज़ियाँ हैं वो सारी सॉफ्ट हो गई हैं। तो सब्ज़ियाँ रेडी हैं, तो अब आप इसको सर्व कर सकते हैं पूड़ी पराठे या फिर नान के साथ। फ़िलहाल मैं यहाँ पे बना रही हूँ इसके साथ लच्छा पराठा। इसके लिए मैंने मैदा और गेहूं का आटा दोनों लिए हैं 50-50 रेशो में जो मैंने आटा लगाया है। अब चलिए इसका एक लच्छा पराठा बना लेते हैं। अच्छा, लच्छा पराठा तो बहुत सारे तरीके से बनाया जाता है, आप कौन से तरीके से बनाते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने फ़िलहाल यहाँ पे देसी घी लिया है, इसको एक रोटी सी बेल के बड़ी सी उसके ऊपर देसी घी लगाया है, और साथ में मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ कश्मीरी मिर्चें। यहाँ मैंने तीखी वाली मिर्चें नहीं डाली हैं क्योंकि सब्ज़ी में भी मिर्चें हैं, आप चाहें तो तीखी वाली भी डाल सकते हैं। और इसको हम दोनों चीज़ों को पूरी अच्छी तरीके से पूरी रोटी पे स्प्रेड कर देंगे। अब इसके बाद में मैं यहाँ डाल रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी, आप चाहें तो यहाँ पे हरा धनिया भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। अब मैं इस पे डाल रही हूँ थोड़ा सा सूखा आटा, जिससे जो हमारी लेयर्स हैं वो आपस में चिपके लेकिन इतनी बुरी तरीके से नहीं कि वो खुले ही नहीं। अब इसको इस तरीके से हम रोल कर लेंगे। देखिए मैं यहाँ पे इसमें कट लगा रही हूँ और इस तरीके से हम अपनी लेयर्स को खोल देंगे और उसके बाद में इसको हम सूखा आटा लगाकर हल्के हाथों से बेलेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर ज़्यादा आपने इसमें ताकत लगाई तो ये जो लेयर्स हैं वो खुलेंगी नहीं, सारी इसी में गायब हो जाएंगी। तो यहाँ हल्के हाथों से हमें इसे बेल लेना है। अब इसको तवे पे डाल के दोनों साइड से घी लगाते हुए हमें इसको क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेक लेना है। आप देखिए हमारे पराठे का कितना सुंदर कलर आ रहा है, इसको अलटते पलटते हुए दोनों साइड से जहाँ से भी कच्चा हो वहाँ से अच्छी तरीके से दबा दबा के हमें सेक लेना है, जिससे बहुत ही इवनली कुक हो और इसका कलर भी बहुत सुंदर सा आए। तो चलिए फिर हमारी सब्जी भी बिल्कुल तैयार है और पराठा भी, तो इसे कर लेते हैं सर्व और गर्मा गर्म इसका आनंद उठाते हैं। तो देखिए मेरा पराठे का कलर भी आप चेक करिए कितना सुंदर आया है और हमारी सब्ज़ी भी कितनी अच्छी लग रही है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल कुरकुरा और खस्ता हमारा पराठा बनके बिल्कुल तैयार हुआ है और इसकी लेयर्स देखिए आप कितने अच्छे तरीके से खुल रही हैं। तो आप भी ट्राई कीजिएगा आज की ये रेसिपी और मेरे साथ शेयर करिएगा कि आपको ये कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे इसी तरीके की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें।